राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का ये मामला है। राहुल गांधी पर मानहानि मामले में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा सुनाई गई, ये बड़ी बात है, 2 साल की सजा सुनाई गई है। और बड़ी अपडेट इसमें आपको ये बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई लेकिन उन्हें 7 के साथ जमानत भी मिल गई है। आपको बता दें कि मानहानि के इस केस में 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, या तो दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई और इसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एमडी खान फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एमडी खान जी, राहुल गांधी की 2 साल की सजा और अब जमानत मिलने पर आप क्या कहेंगे? ये सजा एक्चुअली जो लेस देन 3 इयर्स होती है कन्विक्शन, तो उसको प्रोविजन है हमारे आईपीसी सीआरपीसी में कि वो वहीं पर। अच्छा एमडी खान जी, एक महत्वपूर्ण बयान पहले दर्शकों को सुना रखे गए हम। अभी उस पर तो हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन अपील कोर्ट पर विश्वास है पार्टी को और जस्टिस पे विश्वास है। कोर्ट का ये जजमेंट पे अभी हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, पर अपील कोर्ट में वी हैव ट्रस्ट कम्प्लीटली। आज क्या हुआ, कोर्ट में गए थे? कोर्ट में वो आए और उन्होंने पहले कन्विक्टेड कहा और बाद में फिर पनिशमेंट 2 इयर्स डिक्लेयर किया ऑनरेबल जज ने। आगे तो कुछ कोई टिप्पणी नहीं की और रिटर्न जजमेंट कभी वो दे रहे हैं, दे विल प्रोड्यूस रिटर्न जजमेंट। तो कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया, 2 साल की सजा दी और उसके बाद जमानत राहुल गांधी को मिल गई है। और हमारे साथ इस वक्त पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एमडी खान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर। एमडी खान जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया कि राहुल गांधी पर जिस तरह से मानहानि का दोषी उन्हें करार दिया गया, उसके बाद सजा का ऐलान हो गया, जमानत भी मिल जाती है, क्या कुछ प्रावधान इस मामले में हुआ करते हैं जब किसी पर मानहानि का केस होता है, और इस केस को कैसे देखते हैं? एमडी खान जी, तो मानहानि मामले में दोषी करार राहुल गांधी, 2 साल की सजा, हालांकि जमानत भी मिल गई है और दोषी करार राहुल गांधी को दिया गया है मानहानि का ये केस। 30 दिवस माटे सस्पेंशन करवे छे, 30 दिवस में अपील करवानो टाइम है। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बताएं। बीए मांगू क्या, मैं हाईकोर्ट में वकील हूँ, कांग्रेस का लीडर भी हूँ। कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उसे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के और से एडवोकेट अपेयर था, उन्होंने बताया कि हमको एक कोर्ट की माफ़ी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेन के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सस्पेंड सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे क्या प्रक्रिया की जाएगी? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन-किन आईपीसी के तहत की सजा सुनाई है? 499 और 500। गाड़ी साइकिल का दौड़ता जी है, कहीं का दौड़ता नहीं।
तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है। और आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक बयान दिया गया था, उन्होंने कहा गया था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। उनके इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस दर्ज किया था। कहा यह गया था कि पूरे मोदी समुदाय की भावनाओं को आहत किया के राहुल गांधी ने, और मानहानि के इसी केस में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई और राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा, लेकिन साथ ही राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। और आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार के दौरान ही ये बयान दिया था। मोदी उपनाम को लेकर उन्होंने बयान दिया जिस पर मोदी समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए एक गुजरात के बीजेपी नेता ने इन पर मानहानि का आपराधिक केस दर्ज किया था। आपराधिक मानहानि केस दर्ज होने के बाद ये केस लगातार चल रहा था। और इस मामले में देखिए, इससे पहले अक्टूबर 2021 को बयान दर्ज करवाने के लिए राहुल गांधी खुद 3 बार अदालत में पेश भी हुए थे और इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया था, लेकिन आज कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के इस केस में दोषी करार दिया। 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, लेकिन राहुल गांधी के वकील ने उन्हें जमानत दिलवा दी है।